जय हिंद विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले पीरियड में परिक्षेपण की माप के अंतर्गत विस्तार यानी रेंज और चतुर्थक विचलन ज्ञात करना सीखा। परिक्षेपण की और कौन कौन सी विधियां हैं? एक है माध्य विचलन, उसके बाद है फिर प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन को हम मानक विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक। तो आज के इस कालखंड में माध्य विचलन ज्ञात करना सीखे। तो माध्य विचलन क्या है? आपको पता है माध्य का अर्थ क्या होता है? समांतर माप, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। विचलन अर्थात डेविएशन। अब माध्य विचलन है क्या? तो किसी समग्र श्रेणी का माध्य विचलन जो है, ये उस समग्र श्रेणी के समांतर माध्य से उसके पदमूल्यों के विचलन का माध्य है। श्रेणी के पदमूल्यों के माध्य से या समांतर माध्य से विचलनों का समांतर माध्य, इसको कहते हैं समाध्य विचलन या मीन डेविएशन। तो यहाँ पर हम पहले एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि निम्नलिखित मानों का माध्य विचलन परिकलित कीजिए। और जो समग्र श्रेणी है, ये कैसी व्यक्तिगत समग्र श्रेणी है? कैसी समग्र श्रेणी है? व्यक्तिगत। असमूहित भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? असमूहित समग्र श्रेणी। 2, 4, 7, 8 और 9, इस समग्र श्रेणी का हमको माध्य विचलन ज्ञात करना। मैंने अभी कहा ना कि माध्य विचलन वास्तव में किसी समग्र श्रेणी के माध्य से विचलनों का माध्य होता है। अब जो माध्य है यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपने पढ़ा है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन तरह से अपन बताते हैं। एक होता है माध्य यानी समांतर माध्य, दूसरा होता है मध्यिका, और तीसरा क्या होता है? बहुलक। माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। ये माध्य विचलन इन तीनों ही प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम समांतर माध्य निकालें, श्रेणी के जो पदमूल्य है उन पदमूल्यों का माध्य निकालें, या उनकी मध्यिका निकालें, या बहुलक निकालें। लेकिन व्यवहार में बहुलक का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बहुलक का मान स्थायी नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर माध्य विचलन की गणना जो हम करते हैं किससे करते हैं? माध्य और मध्यिका से, यानी मीन या मीडियन। इन दो का हम प्रयोग करते हैं मीन डेविएशन निकालने के। तो यहाँ पर हम साध्य विचलन निकाल रहे हैं, वो किससे निकाल रहे हैं? माध्य से। इसी सवाल को फिर हम माध्यिका से भी करके देखेंगे। तो पहले हम माध्य से माध्य विचलन की गणना करेंगे। उसके लिए हम इस तरह एक तालिका बना लेते हैं। इस तालिका में हमने पदमूल्यों को लिखा और इन पदमूल्यों का हम क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? पदमूल्यों का योग करना। योग करना। तो पदमूल्यों का योग देखें, 2 और 4 6 और 7 13 13 और 8 21 21 और 9 30। पदमूल्यों का योग कितना आ गया? 30 आ गया। अब समांतर माध्य की गणना करना है। बार x बराबर सिग्मा x का मान कितना आ गया? 30। अब 30 के बटे n, n मतलब पदमूल्यों की संख्या। यहाँ कितने पदमूल्य हैं? 5। 5 पदमूल्य हैं, तो 5 से हम इसको विभाजित कर देंगे। तो बार x बराबर 5 से 30 को विभाजित कर दिया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो क्या आ गया? 12x 6। तो ये क्या है? समांतर माध्य। तो यहाँ पर जो हम विचलन निकालेंगे कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य से निकालेंगे। माध्य विचलन जब हम निकालते हैं तो विचलन ज्ञात करते समय जब हम यहाँ माध्य से विचलन लेंगे तो निरपेक्ष विचलन लेते हैं। वास्तव में विचलन या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। माध्य 6 से विचलन, यानी ये जो पदमूल्य है माध्य से कितना कम है, माध्य से इसका विचलन कितना है? यहाँ पर पदमूल्य क्या है? 2। माध्य कितना है? 6। 6 से विचलन कितना है, यानी 6 से ये कितना कम है? 4 कम है। अब कम है तो हम इसको क्या करें? ऋण 4 लिखेंगे ना। दूसरा 4। 4 ये कितना कम है माध्य से? 2 कम है, यानी ऋण 2। 7 कम है या अधिक है माध्य से? अधिक। अधिक कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो हम इसमें लिखेंगे धन 1। 8 2 अधिक है, अधिक है मतलब धनात्मक विचलन हुआ, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? धन 2। और 9 कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? धन 3। लेकिन जब हम माध्य विचलन की गणना करते हैं तो इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखते, चिन्हों का विचार नहीं करते, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष विचलन। हम इन चिन्हों पर विचार नहीं करेंगे। निरपेक्ष विचलन को हम, यानी जो डेविएशन है, इसको दो ऐसी पैरेलल लाइन खींचकर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये निरपेक्ष विचलन 4, 2, 1, 2, 3 विचलनों का आपको योग करना, इन सबका योग कर दीजिए।
चार और दो छह और एक सात और दो नौ और तीन बारह। तो विचलनों का योग कितना आ गया? बारह। अब हम क्या निकालेंगे? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। ये तो माध्य विचलन है, माध्य से माध्य विचलन है, समझेंगे? ये हम जो माध्य विचलन निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं? समांतर माध्य से निकाल रहे हैं। तो माध्य से माध्य विचलन सिग्मा निरपेक्ष मान बी का बटे एम। अब माध्य विचलन मीन डेविएशन एम डी, और एम डी किससे निकाल रहे हैं हम? 12x, 12x यानी समांतर माध्य। तो हम समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाल रहे हैं, तो एम डी 12x इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा डी कितना आया है? सिग्मा डी है 12, तो सिग्मा डी 12 के बटे एन, एन मतलब 5। तो 5 से आप 12 को विभाजित कर दीजिए, तो एम डी 12x बराबर 5 का भागा 12 में दें तो 5 × 10। अब 12 में से 10 घटाएंगे, 2 शेष बचेगा, 2 पर दशमलव का शून्य उतार लेंगे, 20 है ना, 5 × 20। तो यहाँ पर कितना आ गया मीन डेविएशन? 2.4। तो ये हमने जो माध्य विचलन निकाला किससे निकाला है? समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला। अब अगर हम मध्यिका से माध्य विचलन निकालें तो क्या है? माध्य विचलन आपको मालूम है ना कि माध्य से भी निकलता है, समांतर माध्य से भी निकलता है, और मध्यिका से भी निकलता है। बहुलक से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम व्यवहार में बहुलक का प्रयोग नहीं करते। तो अब हम मध्यिका से माध्य विचलन निकालना देखें। मध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकालें? यहाँ देखें, समांक श्रेणी क्या है? 2, 4, 7, 8 और 9। इसकी हमको मध्यिका ज्ञात करना है। मध्यिका किसको बोलते हैं? बीच वाला पद है ना। हम क्या करते हैं मध्यिका ज्ञात करने के लिए? पहले या तो इनको आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर ये आरोही क्रम में पहले से ही है, तो हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मध्यिका कौन सा होगा? तीसरा पद है ना। अच्छा, मध्यिका निकालने का सूत्र आपको पता है कि नहीं? भूले तो नहीं, देख के तो आपने बता दिया कि बीच वाला पद मध्यिका है। इसका सूत्र क्या है मालूम है आपको? n धन 1 बटे 2 मान 5, का मान कितना है? 5 है ना। n का मान कितना है? 5। 5 में 1 जोड़ दो कितना हो गया? 6। 6 बटे 2 यानी 3 वहाँ। तीसरा पद जो है वह मध्यिका पद है। तो मध्यिका 7 से हम विचलन ज्ञात करें। यहाँ पर आप देखिए, ये पदमूल क्या है? 2 है, और मध्यिका कितना है? 7 है। तो 7 से विचलन कितना होगा इसका? भाई 7 से ये कितना कम है? 5 कम है ना। 7 से 2 कितना कम है? 5। तो विचलन क्या हुआ? 5 हुआ। 4 कितना कम है? 3। 3 कम है। 7, 7 से 7 का विचलन 0। 0। 8 और 7 का विचलन 1। 1 और 9 7 का विचलन 2। यहाँ पर हम इनके निरपेक्ष मान ले रहे हैं, मतलब यहाँ हमने ऋण का चिन्ह नहीं लगाया और यहाँ पर धन भी नहीं लगाया। तो विचलनों का योग कर दें, 5 × 3 = 8 × 9 = 2 = 11। ये क्या आ गया? सिग्मा डी, यानी डी का निरपेक्ष मान। तो ये आ गया 11। अब इस सूत्र में मान रखते हैं कि सिग्मा डी बटे एन, यहाँ मान रख दी सिग्मा डी कितना? 11 के बटे एन, एन यानी 5, और 11 में आप 5 से भाग कर दो। अच्छा, ये माध्य विचलन जो निकाल रहे हैं किससे निकाल रहे हैं? मध्यिका से। यहाँ लिखते हैं मध्यिका से माध्य विचलन। मध्यिका से माध्य विचलन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एम डी एम, एम डी एम, एम डी एम, मध्यान्ह भोजन नहीं, मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन, ये वो वाला नहीं है। ये यहाँ एम डी, फिर नीचे लिखा है एम, एम एम फॉर मीडियन, एम फॉर मीडियन, मीडियन मतलब मध्य, ठीक है? तो एम डी एम इज इक्वल टू 11/5। अब 5 से आप इसको विभाजित कर दो, भाग कर दो, 5 × 10। 11 में से 10 घटाएंगे कितना बचा? 1। 1 पर दशमलव का शून्य उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 5 × 10 तो 2.2। तो एम डी एम कितना आ गया? ये एम डी एम बराबर आ गया 2.2। माध्य से माध्य विचलन निकाला था तब कितना आया था? 2.4, ठीक है? इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। एक कल्पित माध्य विधि भी है। कल्पित माध्य विधि में हम समांतर माध्य ज्ञात नहीं करते हैं, बल्कि समांतर माध्य को मान लेते हैं। तो ये क्या थी? प्रत्यक्ष विधि थी। और असमूहित श्रेणी में हमने
माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना और बद्धिका से माध्य विचलन ज्ञात करना सीखा। तो विद्यार्थियों आशा है आज के इस कालखंड से आप माध्य विचलन ज्ञात करना सीख गए होंगे। हम अगले वीडियो में प्रमाण विचलन या मानक विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। अंत में आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलना है, जिससे कि आपको हमारे यानी मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो में मासब जी फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।